हेलो दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुख्तलिफ तरह के जीएमसी में अलग अलग तरह की वैकेंसीज़ निकाली हैं। तकरीबन ये 100 के करीब वैकेंसीज़ निकाली गई हैं अलग अलग तरह के जीएमसीज़ में, यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में यहाँ पर वैकेंसीज़ के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि ये डिटेल्ड वैकेंसीज़ दी गई हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहले हम बात करेंगे जीएमसी अनंतनाग की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग तरह के जो पोस्ट्स निकाले गए हैं, टोटल जो है इसमें 21 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं ये है जीएमसी बारामूला। तो जीएमसी बारामूला में जो टोटल वैकेंसीज़ निकाली गई हैं वो 14 हैं। और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, ये आप देख रहे हैं ये है जीएमसी डोडा। तो जीएमसी डोडा में कुल मिला के 12 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। और इसके बाद हम आएंगे, ये है जीएमसी कठुआ। तो जीएमसी कठुआ के लिए आप देख रहे हैं तो कुल मिला के 14 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। साथ साथ में आप पोस्ट भी देखें। इसके बाद आप देख रहे हैं ये है जीएमसी राजौरी। तो जीएमसी राजौरी में कुल मिला के 13 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। आगे हम देखेंगे तो ये है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा। तो हंदवाड़ा के लिए आप देख रहे हैं तो कुल मिला के यहाँ पर तो टोटल नहीं दिया गया है, लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुल मिला के यहाँ पर 15 वैकेंसीज़ यानी 15 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं ये है जीएमसी उधमपुर। तो जीएमसी उधमपुर के लिए भी यहाँ पर कोई टोटल नहीं दिया गया है। तो ये जो कुल मिला के वैकेंसीज़ हैं जीएमसी उधमपुर के लिए, तो ये 17 वैकेंसीज़ हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं ये है जीएमसी कठुआ। और इसी तरह कठुआ के लिए जो टोटल वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, तो अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये कुल मिला के 6 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। इसके बाद फिर से जीएमसी बारामूला में एक वैकेंसी निकाली गई है पैथोलॉजी के लिए। और उसके बाद जीएमसी राजौरी के लिए फिर से यहां पर आप देख रहे हैं तो 6 वैकेंसीज़ हैं। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए फिर से वैकेंसीज़ हैं और ये कुल मिला के 6 हैं। तो तकरीबन ये 100 के करीब जो है वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इन वैकेंसीज़ के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 4 अगस्त 2023, यानी आज से आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इनके लिए लास्ट डेट रहेगी 19 अगस्त 2023। और इसके लिए जो एडिट विंडो है वो 20 अगस्त 2023 से लेकर 22 अगस्त 2023 तक अवेलेबल कर दी जाएगी। और जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट रखा गया है वो 10 सितंबर 2023 रखा गया है। अब हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो जो एज लिमिट रखी गई है ओपन मेरिट के लिए 40 इयर्स रखी गई है, आरबीएससी के लिए 43 इयर्स रखी गई है, पीएससी कैंडिडेट्स के लिए 42, इंश्योरेंस कैंडिडेट्स के लिए यहां पर 45 इयर्स एज लिमिट रखी गई है। फ़ी की बात करें तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको 1000 रुपी पे करना होगा, रिजर्व कैटेगरी को 500, और जो पीएससी कैंडिडेट्स हैं उनको एग्जेम्प्ट रखा गया है फी से, उनको किसी भी तरह की फ़ी नहीं देनी होगी। और इन पोस्ट्स के लिए सिर्फ जो जम्मू कश्मीर यूटी के डोमिसाइल हैं, तो सिर्फ डोमिसाइल ही इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करने के लिए, तो आपको जेकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, प्रोफाइल बनाना होगा, और उसके बाद आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है इस पीडीएफ में दी गई है। ये पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कर दिया है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जो अलग अलग तरह के पोस्ट्स के लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है वो इस पीडीएफ में डिटेल दी गई है। एक्सपीरियंस जहाँ पर मांगी गई है वो भी सारा कुछ दिया गया है। तो आप जिस फील्ड में या जिस डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस पीडीएफ से अपनी अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये डिटेल्ड है। अगर मैं एक एक करके बताने जाऊंगा तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। बेहतर यही रहेगा कि आप इस पीडीएफ को खुद डाउनलोड करें और जिस डिसिप्लिन में आप एलिजिबल हैं उसकी क्वालिफ़िकेशन आप चेक करें और फिर आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी एक इम्पोर्टेंट अपडेट जेके पीएससी की तरफ से, जो वैकेंसीज निकाली गई हैं अलग अलग तरह के जीएमसीज में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।